तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। 2020 में जो कमीशन आया था, तो किस किस टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को आज देखेंगे। और जो चैप्टर हमें पढ़ने के लिए रहते हैं, थोड़े से चैप्टर रहते हैं, तीन चार चैप्टर, जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह, बायो मॉलिक्यूल वगैरह, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि उन चैप्टर में से हमें पढ़ना क्या है। और यहाँ से हमें ये भी आइडिया होगा कि अभी तक जितना हमने पढ़ा, वहां से कितना क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हमें क्या क्या एग्जाम के लिए याद रखना है, किस किस तरीके से याद रखना है, और अभी हमें कितनी तैयारी करने की और जरूरत है। ठीक है, 2020 का जो कमीशन था उसमें 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे गए थे, फिजिक्स के कितने थे 40 क्वेश्चन, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिस्ट्री के लगभग 30 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे। आज हम करेंगे पहले 15 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट 15 क्वेश्चन आज बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, भले ही 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आज जो है डिस्कस करेंगे। उससे आपने खुद को जो है आंकना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। ऐसा नहीं कि मैं आंसर बताऊंगा, आपने सिर्फ आंसर रटने हैं। जो क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, जो एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, लाइफ लॉन्ग वो क्वेश्चन आपको एग्जाम तक कभी नहीं भूलने चाहिए। उस तरीके का अगर कोई और एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो करने के लिए भी आप क्या होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे 2020 कमीशन में जो पूछा गया था। एक सेकंड दीजिएगा। ध्यान से देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या क्वेश्चन विजिबल है जो लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, बता दीजिए, या थोड़ा सा बड़ा इस क्वेश्चन को करूं, बता दीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, तो क्वेश्चन विजिबल है या थोड़ा सा बड़ा इसे करें, बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 से शुरुआत हुई है केमिस्ट्री। ये सीरीज ए थी 2020 कमीशन में, तो ध्यान से देखिएगा, 80 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। फटाफट आपको भी आंसर करना है इसके। देखिए पहला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। 1 मोल जो ऑक्सीजन है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितनी होती है, ध्यान से देख लीजिए, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आएगा। कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जल्दी से बता दीजिएगा। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, दैट इज 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी अवर राइट आंसर। तो 81 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, पढ़ा था क्वेश्चन, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन देखेंगे, Mg2 पॉजिटिव, Ti3 पॉजिटिव, Vn3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। बोलिए ये एग्जाम्पल किया है हमने या नहीं किया है। डिट्टो सेम एग्जाम्पल हमने किया हुआ है अपने जो थ्योरी वाले लेक्चर थे। तो चलिए देखते हैं किसका जो है सबसे ज्यादा आएगा। 82 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। तो Mg2 पॉजिटिव कितना आएगा, ध्यान से चेक कर लेते हैं। Mg2 पॉजिटिव है, यानी 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, Mg2 पॉजिटिव मतलब 10। चलिए देखिए, बड़े आराम से देखना है क्वेश्चन। 1s2, 2s2, 2p6 कंप्लीट फील्ड है, कितने, जीरो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जीरो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। अब इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 3 पॉजिटिव मतलब 19, 3 पॉजिटिव मतलब 19। चलिए देखते हैं, 1s2 कितना होता है, 22 होता है, 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 19 आया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितना हो गया, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19, 3d1, यानी कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर एक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ। हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी या तो V3 पॉजिटिव होगा या आयरन कितना दिया गया है, 2 पॉजिटिव हमारे पास होगा। आयरन कितना होता है बता दीजिएगा, एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं आयरन को। Fe
टू पॉजिटिव, यानी 26 इसका एटॉमिक नंबर है। टू पॉजिटिव मतलब 24 से 24 एटॉमिक नंबर लेंगे, उसके साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आयरन का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पहले भी थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा है, अर्गन 3d6 into 4s0, उसे लिखने की नीड नहीं है। कितना आ गया, 4s0। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3d6 आ गया। ठीक है, मैंने बताया था अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं। बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, आप मुझे बताओगे जो लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, जल्दी से बताओ, तब तक मैं आगे का लिखता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, वेंडियम 3 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव। वेंडियम का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है वो होता है 23। कितना होता है, 23, यानी 3 पॉजिटिव 20 आएगा। तो इसे भी का भी मैं लिख देता हूं, दैट इज ऑर्गन 3d2 4s0। यहां पर कितने हैं, 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताएं कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से कैसे देखते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। 3d6 कितने हैं एनर्जी सेल, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी, Fe2 पॉजिटिव विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज Fe2 पॉजिटिव। और ये सेम एग्जाम्पल हमने थ्योरी वाले चैप्टर में किया है, इन्हीं सेम एलिमेंट्स के साथ। तो इसलिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके एटॉमिक नंबर याद रखना भी जरूरी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था केमिस्ट्री का 2020 के कमीशन में। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन एंड पी आर इन द ऑर्डर ऑफ। बोलिए किया है क्वेश्चन या नहीं किया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। ऑर्डर तो हमने पढ़ा ही है, ट्रेंड साथ के साथ हमने ये सेम एग्जाम्पल किया है। आपको हिंट दे देता हूं, देखिए आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट है ये है कहाँ कहाँ पर। ठीक है, आपको पता है कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरोन, बोरोन के बाद आता है कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन पहले है नाइट्रोजन 7वीं पोजीशन पे है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन फ्लोरिन एटसेट्रा, उसके बाद है हमारा क्या सिलिकॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन कार्बन के ठीक नीचे है और फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है। हमसे क्या पूछा है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, लेफ्ट से जब राइट की तरफ चलते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है इंक्रीज, और टॉप से डाउन की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है डिक्रीज करती है। पढ़ी है ये चीजें, यस और नो कीजिएगा, ध्यान से देखें। अब लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज, यानी कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो देखिएगा ट्रेंड लिखूंगा मैं, सिलिकॉन सबसे कम होगा, सिलिकॉन और फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, पी की है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो सिलिकॉन की छोटी है किससे, पी से। अब टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं, यानी ऊपर वाले, माफ कीजिएगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, यानी ऊपर वाले की ज्यादा है, तो इन दोनों की ज्यादा है फास्फोरस से, लेकिन इन दोनों में किसकी ज्यादा है, पीछे वाले, लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो विच इज लेस देन कार्बन विच इज लेस देन नाइट्रोजन। तो ये ट्रेंड बना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्वेश्चन क्लियर, यस और नो कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन है ये, सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो 83 का कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन क्लियर है जो भी लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, अभी तक एक भी चीज ऐसी नहीं आई, 3 क्वेश्चन हमने किए कि जो चीज हमने पढ़ी ना हो, इवन थ्योरी के साथ साथ डिटो एग्जाम्पल भी हमने एमसीक्यू में डिस्कस किए हैं। बात आती है प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है केमिस्ट्री के क्वेश्चन को याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान से देखिएगा, और आज की क्लास में सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, नेक्स्ट क्लास में 15 होंगे। देखिएगा 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज डाइपोल मोमेंट मोर देन जीरो। अब इसका आंसर तो आप ही को करना चाहिए, डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा किसका होगा, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड।
अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का याद कीजिए स्ट्रक्चर कैसा था, लीनियर था, 180 डिग्री का एंगल बनता था, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट निकल गया जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का। Na2 कैसा मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। बचा ऑप्शन हमारे पास वाटर और क्या बचा, मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो रहता था, बचा क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज वाटर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज वाटर का जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वाटर का डायपोल मोमेंट जो है जीरो से ज्यादा होगा। और वाटर का डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको बताई गई है, वो आपने जो है कमेंट करके बताना, मैं याद नहीं करवाऊंगा, मैं रिकॉल नहीं करवाऊंगा, वैल्यू आपको बताई गई है। अगर याद नहीं रही होगी, याद नहीं रही होगी, नोट्स में जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें याद रखेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। 85 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू कूल द गैस। ये क्वेश्चन भी पढ़ा है हमने, गैस वाली थ्योरी, कौन सा आइडियल कंडीशन है। देखिएगा अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो आप जब ऑप्शन देखोगे अपने आप आंसर याद रहेगा, अपने आप देखिएगा आपका माइंड जो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। तो आप सभी भले ही आंसर गलत हो, आंसर जरूर मुझे बताएं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको चीजें याद रही भी हैं या नहीं है। क्या है, ऑप्शन ए लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एंड ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बोलो पढ़ा था ना, जब चीजें पढ़ी होती हैं आंसर निकलता है, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जब चीजें हमने एक बार पढ़ी होती है ऑप्शन देके अपने आप याद आती है, अगर इनके स्किप भी हो जाए माइंड से। अब इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, एग्जामिनर कैसे और तरीके से पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि सेट ऑफ कंडीशन टू लिक्विफाई अ गैस। अगर लिक्विफिकेशन के लिए भी आ गया तब भी यही चीज होगी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल है वो कम होगी, और उन मॉलिक्यूल को क्लोज ले आएगी एक दूसरे, उन मॉलिक्यूल को क्लोज ले आएगी। क्लोज ले आने का मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन गैस की बढ़ेगी। तो लिक्विफिकेशन के लिए भी अगर आंसर आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी आपने यही आंसर करना है कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर इंक्रीज करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इंक्रीज करेगी, ज्यादा टाइट जो है बाउंड करेंगे, नजदीक नजदीक हो जाएंगे, फिर लिक्विफिकेशन के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें याद रखनी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, 86 देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर और आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, हीट एक्सचेंज इन केमिकल रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। देखिए जितने भी ऑप्शन है, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, डेफिनेशन हमने पढ़ी है, डेफिनेशन याद होगी, आप आंसर कर दोगे एक सेकंड में, आंसर कर दोगे आप इसका। क्या है, हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इंथैल्पी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो हीट एक्सचेंज होती है वो क्या कहलाती है, इंथैल्पी ही तो है। हमारा बचा फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होती थी, जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, नो डाउन कीजिएगा, क्या थी फ्री एनर्जी हमारे पास, ऐसी एनर्जी सिस्टम की जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है उसे कहते हैं हम फ्री एनर्जी। बचा एंट्रोपी, याद है एंट्रोपी, बहुत डिटेल से थ्योरी में पढ़ा था, व्हाट इज एंट्रोपी, रैंडमनेस, याद कीजिए, डिसऑर्डर, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आ गया होगा याद आपको। ऑप्शन तीसरा, चौथा है हमारा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की अंदर की अपनी एनर्जी, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया, द हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज आवर ऑप्शन नंबर सी इंथैल्पी। बाकी की भी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दूं, तो आप देख रहे हैं हमने कितना पढ़ा, कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, उस थ्योरी वाले पोर्शन पे अब कमांड बनानी है, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 × 10⁻³⁺ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज। याद कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन हम जो है एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में छोड़ना पड़ेंगे। क्यों छोड़ना पड़ेंगे, पीएच है, याद है पीएच की स्केल क्या होती है, लॉगरिथमिक ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, लॉगरिथमिक ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब जब तक आपके पास लॉग टेबल नहीं होगा आप आंसर कैसे करोगे इन क्वेश्चन का,
और एग्जाम में तो लॉग टेबल हमें अलाउड नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल बात। ठीक है, क्या होगा, देखिए वो आपने पढ़ा पीएच वैल्यू निकलती कैसे, क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ हमारा एच पॉजिटिव आयन, दैट इज कितनी कंसंट्रेशन दी है, लॉग ऑफ 3.8 × 10⁻³। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ पीएच स्केल क्या हुआ, लॉग ऑफ कितना, एच पॉजिटिव आयन, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। ठीक है, अब इन्होंने कंसंट्रेशन दी है हमारे पास 3.8, दैट इज लॉग ऑफ 3.8 × 10⁻³ कितना है, 10⁻³ हमारे पास -3। अब आप मुझे बताओ बिना लॉग टेबल ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, या तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे डायरेक्ट याद रह जाएगा, आपको एग्जाम में टिक कर देना है, डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, इसके पंगे में नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं लॉग टेबल का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए 2.42 विल बी राइट आंसर 87 का। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में डायरेक्ट आंसर करना है, अलग वैल्यू एग्जाम में आती है, हाँ एक चीज देख लेनी है, हो सकता है कहीं कोई बड़ी आसान वैल्यू दी गई हो जैसे लॉग वन एटसेट्रा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आया है बिना लॉग टेबल से आंसर नहीं निकलेगा, कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन अगले कमीशन में रिपीट हो जाए, डायरेक्ट आंसर लिखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पंगे में नहीं पड़ना है, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। इन द रिएक्शन ऑफ 2Ag प्लस H2SO4, AgSO4 गिव्स प्लस 2H2 प्लस SO2 सल्फ्यूरिक एसिड XL। चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, किया गया है इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले, MCQ भी डिस्कस किया है ऐसा, 2Ag प्लस H2SO4, एक सेकंड दीजिएगा, 2Ag प्लस 4H2SO4 प्लस 2H2SO4 गिव्स, क्या दे रहा है हमें ध्यान से देखना है, Ag2SO4 Ag2SO4 प्लस क्या है, 2H2O 2H2O प्लस SO2 प्लस SO2। हमसे पूछा है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है XL, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो यहाँ पर ये जो SO2 है मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस SO2। इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर तो देखना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सल्फर का, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं, 2 + x - 8 = 0, x = +6, यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। SO2 में आप मुझे बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर आना चाहिए, फिर आगे चीज बता दूं, देखना कैसे है, आपको ये चीज आती है, आपने पढ़ी है, रिकॉल करने की देर, रिकॉल करने की देर, जल्दी से बताइएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर है, फटाफट बताएं। That is 4, बिल्कुल ठीक है, कितना आएगा, +4। अब सल्फ्यूरिक एसिड से यही हमारे पास बना और हमसे यही पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, +4, 6 से +4 हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है सल्फर हमारा यहाँ पर, दैट इज रिड्यूस्ड, क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और जो रिड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, उल्टा उसका, याद कीजिए रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में पढ़ा था, जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन जहां पर हो रही होगी वो क्या होगा, रिडक्शन एजेंट, तो क्या बन गया ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है कैटलिस्ट, ऑप्शन बी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन डी है एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट, जी इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन, देखिए क्या था, +6 से +4 गया, रिड्यूस्ड हुआ हमारे पास, रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका उल्टा होता था, ये चीज भी आपने जो है थ्योरी में पढ़ी। ठीक है, सफल होने के 3 नियम, मेहनत ज्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा।
तीनों चीजें होंगी तभी ये चीजें याद रखेंगी। और हर एक चीज अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो। जो चीजें नहीं पढ़ी होंगी वो भी मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन अभी फिलहाल जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो विद एग्जाम्पल हमने अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं। बात क्या है सारी रिकॉल करने की, याद रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, कौन सा कंपाउंड यूज होगा वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा आप इसका आंसर कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे आप इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो 89 है उसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, Na2P6O, कितना है O18 हमारे पास, Na2P6O18 विल बी राइट आंसर। इसे कहते हैं हेक्सा मेटा फॉस्फेट, क्या है हेक्सा मेटा फॉस्फेट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज Na2P6O18, Na2P6O18। क्या नाम है बोला इसका मैंने, हेक्सा मेटा फॉस्फेट, हेक्सा मेटा फॉस्फेट। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां से भी देखने को मिलते हैं, जहां से भी आपको देखने को मिलते हैं, लीजिए उनको क्वेश्चन बैंक उसका तैयार कीजिए ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो। बाकी जो अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े, अभी तक 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, 9 में से 8 क्वेश्चन थ्योरी में किए हैं, नया क्वेश्चन हमारा आज क्वेश्चन बैंक में हमारे ऐड हुआ। क्या था, कौन सा इनमें से जो 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, कौन सा है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, हमारा हेक्सा मेटाफॉस्फेट। एक और नाम इसका बताता हूँ, इसे कैलोजन भी कहा जाता है, CALOZEN, ये भी याद रखना। कई बार इस तरीके से नाम अगर दिए गए हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कैलोजन भी इस एलिमेंट को कहा जाता है, किसे, हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला ऑफ सोडा एसिड, बोलिए पढ़ा है क्वेश्चन या नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। फॉर्मूला ऑफ सोडा एसिड Na2CO3, Na2CO3.H2O, Na2CO3.2H2O एंड Na2CO3.10H2O, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। फॉर्मूला ऑफ सोडा एसिड, क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है Na2CO3। इलेबोरेट करने की तो नीड नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, सोडा एस, एस बोला है मतलब क्या करना, पानी को हटा देना, हीट करना है, किस तरीके से हीट करें डजंट मैटर, हमारे पास H2O नहीं होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन आपके पास H2O वाले हैं, चौथा ऑप्शन आपके पास बिना H2O के है, तो वही आप जो है इस तरीके से भी डायरेक्ट आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हो, कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर है Na2CO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, विच इज द अनहाइड्रिक ऑफ नाइट्रस एसिड। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन बैंक में ऐड करना है, हो सकता है फ्यूचर में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ के भी उसकी पहचान करना नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास है, क्या पूछा है, विच इज द अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, 2 तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे करना है। पहले तो आपको ये तो पता है ना, नाइट्रस एसिड क्या है हमारे पास, अरे HNO2, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 है, नाइट्रस एसिड है दैट इज HNO2। इन्होंने क्या बोला है, अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 91 का, मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आए ना तो उसको आप याद कर रख सको, उसको भी आप सॉल्व कर सको, अगर हल्का फुल्का चेंज भी है, इसलिए क्रैम मत कीजिएगा इन क्वेश्चन को, क्या अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन बी, जी नहीं, क्वेश्चन को देख के पहचानिए, तभी फायदा है लाइव क्लास अटेंड करने का। ठीक है, क्वेश्चन है अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अब ये अनहाइड्राइड क्या होता है, ध्यान से सुनिए, 2 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर कॉल्ड अनहाइड्राइड, क्या बोला मैंने, 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर कॉल्ड अनहाइड्राइड, तो ध्यान से सुनिए, और किसका बोला है हमें, हमें बोला है नाइट्रस एसिड का, तो नाइट्रस एसिड का जो अनहाइड्राइड है दैट इज, क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला, 2 ऑक्साइड ऑफ किसके, नाइट्रोजन आर कॉल्ड एसिड अनहाइड्राइड, क्या कहा जाता है उन्हें, अनहाइड्राइड कहा जाता है। तो नाइट्रस एसिड जो है हमारे पास क्या होता है,
HNO2, इसका जो अनहाइड्राइड है, पहला तरीका डायरेक्ट याद रखने का, दैट इज N2O2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इस क्वेश्चन का 91 का? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसके साथ एक और चीज ऐड करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसी क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता, यहां तो पूछा नाइट्रस एसिड का, अगर आपसे पूछा जाता नाइट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड, क्या पूछा जाता आपके पास? नाइट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसका जो नाइट्रिक एसिड होता, तब हमारा आंसर हो जाता है N2O5। तब हमारा आंसर कितना हो जाता है? N2O5 फिर हमारा जो है राइट आंसर होता। ठीक है, क्या है ये? डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ये क्या है हमारे पास? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3 है, माफ कीजिएगा, N2O3 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, देखिए N2O3 है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। एक तो डायरेक्ट तरीके बता दिए दोनों क्वेश्चन के, अगर नाइट्रस एसिड है तो इसका N2O3 होगा, नाइट्रिक एसिड है HNO3 तो N2O5 होगा। एक तरीका और ऐड करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमें बोला है विच इज द अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, अनहाइड्राइड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब आपने क्या देखना है, आपको ये पता है, बाकी आपने यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो ऑप्शन के साथ मैच करेगा वो हमारा सही आंसर होगा। जैसे कि ऊपर वाला पहले कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारा, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का 1 + x - 4 = 0, x = +3, सभी ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन का 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = +3, हो गए ना बराबर। इस तरीके से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। सेम केस है यहां पर, आपको क्या चीजें याद होनी चाहिए थी? दो तरीके से मैंने बता दिया, डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हो, वेल एंड गुड है। नहीं याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो। तो देखिए ये नई चीज थी जो थ्योरी में हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन अभी PYQ से हमें डिस्कस करना पड़ी, तो नई चीज आपके पास ऐड। नोट डाउन की, यस और नो कीजिएगा, फिर आगे चलूंगा। जल्दी से बताएं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 91 का? दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच बिलोंग्स टू द अल्काइन सीरीज, बताएं। मैं नहीं करूंगा आंसर, अल्काइन सीरीज को इनमें से कौन सा बिलोंग करता है, जल्दी से बता दीजिएगा। आपको 1 मिनट 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए देता हूं, सिर्फ 30 सेकंड आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 92, सोच समझ के आंसर करना है। ऑप्शन आ चुका है विद इन 10 सेकंड, दैट इज C9H16। ठीक है क्या, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, C9H16 बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, 9 2 18 - 16, 9 2 18 - 16, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अभी तक जितने क्वेश्चन किए, हार्डली 2 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, सारी चीजें आपको रिकॉल करना पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, मुझे याद है बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया है कार्बन चेन्स में किसका सबसे ज्यादा होता है, तो आप ही इसका आंसर करोगे। थोड़ा सा सोच के बताइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है, ये सारी चीजें पढ़ी है हमने। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एनोक्टेन एंड 2-2-3-3-ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। आंसर आ चुका है विद इन 1 सेकंड, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। जितनी लंबी कार्बन चेन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी की चीजें उसके बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हम इसे थ्योरी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 94 देखिएगा, BOD इज मेजर ऑफ, 2000 जो लास्ट का टेट भी हुआ है HP टेट केमिस्ट्री का, पहला दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ये उसमें पूछा गया था, और 2020 के कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज BOD इज मेजर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर 95, 2 क्वेश्चन हम करेंगे। बीओडी इज द मेजर ऑफ, बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। व्हाट इज बीओडी, बीओडी है क्या?
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का। अगर आपको ये तो पता लग गया कि क्या मेजर करता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। अब एक और चीज लिखिएगा, यूनिट क्या होती है, किस चीज में मेजर करता है, तो आपको पता होना चाहिए एमजी डिवाइड बाय एल में मेजर करता। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर को एमजी डिवाइड बाय लीटर में मेजर करता है। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ बीओडी, ग्रेटर विल बी द पॉल्यूशन इन वाटर, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो दो चीजें इसमें और एक्स्ट्रा कर ली होंगी, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज पूछ सकता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विच इज आल्सो नोन एज डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। देखिए ये उस चैप्टर में से है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, फिर भी इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा, और बाद में जब इस थ्योरी वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या है ये, विच इज आल्सो नोन एज डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल जो डिफेक्ट है हमारा, ठीक है, उसे कहा जाता है डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 95 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एटम प्रेजेंट होता है क्रिस्टल लैटिस में वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर, तो इसलिए डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट को क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो देखिए जो 15 क्वेश्चन अभी तक हमने किए, हार्डली मुझे लगता है 12 क्वेश्चन तो थ्योरी में से हमें आए हैं, बता दीजिएगा या मैं गलत कह रहा हूँ। 12 क्वेश्चन क्या हमने पढ़े थे, 12 से 13 के अराउंड जो है मैं रेशो बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नए डिस्कस किए। आप खुद आपने को एनालाइज करके मुझे बताओ कि आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े क्या सभी पढ़े थे ना, 2 या 3 को छोड़ के, भले ही आंसर आपको थोड़े स्किप हो रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी देखिए 2 महीने से ज्यादा का टाइम हमें हो चुका है और आज हमने डायरेक्ट PYQ सॉल्व किए, क्योंकि रिविजन भी नहीं किया। अगर आप रिविजन करोगे ये चीजें याद रहे, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन जो जो हम डिस्कस करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको एक आइडिया लगा होगा, आपको एक पता लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन देखिए 2020 कमीशन में पूछे गए हैं, आपकी तैयारी अभी तक कितनी है, कितना आपको रिविजन करना है और कितने अच्छे से अभी चीजें आपको तैयार करनी है, ये सारा आइडिया आपको आज की क्लास में लग गया।